नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 7, स्टोरी मेक इट शॉर्टर। ऑन द प्रीवियस वीडियो आई हैड टोल्ड यू, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? आपने सोच लिया क्या किया होगा बिल्कुल ने? ओके, चलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग आंसर्स होंगे कि बिरबल ने क्या किया था। डोंट वरी, आई विल सॉल्व योर पजल। ओके, पजल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड द स्टोरी। चलो जल्दी से आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। ऑन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट हाउ ऑल ऑफ द मिनिस्ट्री the members are very confused, but only one person, Birbal, who was smiling, it means he know the answer how he can do this plan shorter. यानी कि जो अकबर ने लाइन बनाई थी उसे shorter कैसे कर सकते हैं, सिर्फ बिरबल को ही पता था। क्योंकि जब सबका टर्न आ गया था, सारे जो कोर्ट के मेंबर्स थे वो सारे कंफ्यूज थे, लेकिन बिरबल स्माइल कर रहा था, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स लुक व्हाट इज बिरबल डूइंग, ओके, टू मेक दिस लाइन शॉर्टर। ओके, सो नाउ प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112। ओके, नाउ बिरबल थ्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बिरबल क्या करता है? एक लॉन्गर लाइन, यानी कि बहुत ही लंबी सी लाइन अंडर द फर्स्ट वन, यानी कि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? अकबर की लाइन। तो अकबर की लाइन के नीचे बिरबल एक लॉन्गर लाइन ड्रॉ कर देता है। ओके, ये है अकबर की लाइन और ये किसकी लाइन है? ये तो बिरबल की लाइन है। चलो कुछ दिखा, ये ट्विस्ट तो सॉल्व हो गई है, राइट? ओके, एवरीवन इन द कोर्ट सो व्हाट ही ड्रू एंड सेड, दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। यस, इट्स मिरेकल, राइट? मैजिक जैसा हो गया, क्योंकि पहले जो ये लाइन थी वो बहुत ही लॉन्ग दिख रही थी हमें, दैट यू थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गर लाइन, बहुत ही लंबी लाइन। लेकिन अकबर की लाइन के नीचे बिरबल ने जैसे ही लॉन्गर लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब कौन सी लाइन आपको शॉर्टर लग रही है? यस, अकबर की लाइन शॉर्टर हो चुकी है, राइट? सो नाउ यू कैन सी दिस लाइन इज शॉर्टर विदाउट रबिंग, विदाउट रेजिंग, हमें इसको टच भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये लाइन तो शॉर्टर हो गई। देखा ना कितना क्लेवर है बिरबल। यस, आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ, बिरबल बहुत ही क्लेवर है और वो सारे क्विज को, सारे क्वेश्चंस को इजीली, क्विकली सॉल्व कर सकता है, राइट? ओके, सो नाउ आई होप यू एंजॉय द स्टोरी हाउ ही पुट द लाइन शॉर्टर टू लॉन्गर एंड हाउ ही मेड द लॉन्गर लाइन, यानी कि शॉर्टर लाइन बनाने के लिए कैसे उसने लॉन्गर लाइन बनाई। ऐसे ही आप भी बहुत सारे क्विज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो आई थिंक यू एंजॉय द स्टोरी। यू हैव टू रीड सम स्टोरी बुक्स, बिरबल और अकबर की स्टोरीज आप रीड करोगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और ऐसे ही पजल्ड होती है जिसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, राइट? सो आई होप यू विल एंजॉय ऑल द स्टोरीज ऑफ अकबर बिरबल, राइट? आप बुक, स्टोरी बुक्स लेके आप रीड कर सकते हो। ओके, सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, नाउ वी विल कंटिन्यू विद अवर न्यू वर्ड्स ऑफ द स्टोरी, मेक इट शॉर्टर।
सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वर्ड्स. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वर्ड इज ओ आर डी ई आर ऑर्डर. ऑर्डर यानी कि इसका मतलब क्या होता है? अ कमांड. यानी कि आपने देखा होगा जो जज होते हैं, फिर जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, वो अपनी कोई बात रखने के लिए वो ऑर्डर दे देते हैं जो हमें करना ही पड़ता है. इट मीन्स अ कमांड, राइट? ओके. नेक्स्ट इज रब. आर यू बी रब. रब का मतलब होता है वाइट. इट मीन्स आप देखा यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है ना, इफ आई विल मैं इसको वाइप करूंगी. देखिए नाउ इट्स क्लीन. ओके रब का मतलब होता है वाइप करना, यानी कि इरेज करना, वाइप करना आप कह सकते हो, राइट? ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रब? रब इट मींस वाइप. ओके नेक्स्ट इज नंबर थ्री पी यू डबल जेड एल ई पजल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजल? कंफ्यूज. यानी कि आपने देखा होगा कि आपको किसी को पजल दिया जाता है, राइट? आपने गेम्स भी खेलते होंगे, पजल गेम आप खेलते हो ना, तो पजल गेम में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पजल क्विकली सॉल्व हो जाती है और बहुत सारी पजल ऐसे भी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो. आपको थोड़े से पार्ट में आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो, बहुत ही परेशान हो जाते हो, राइट? यस तो उसे क्या कहते हैं? कंफ्यूज, पजल. यस नेक्स्ट इज इरेज. ई आर ए एस ई इरेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेज? सेम रब. रब के जैसा ही सेम मीनिंग होता है टू रब और रिमूव, या फिर कुछ रिमूव करना, रब करना, वाइप करना. दीज ऑल वर्ड्स आर सिमिलर, सेम वर्ड्स ही है. आप सिनोनिम्स भी कह सकते हो, सेम वर्ड्स भी कह सकते हो, सिमिलर भी कह सकते हो, राइट? ओके नाउ द लास्ट वन इज सी ओ यू आर डी कोर्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट? अ प्लेस वेयर लीगल केस आर हियर. यानी कि पहले के जमाने में कोर्ट राजा जो होते हैं वो जज होते हैं. अब हम आपने देखा होगा कि अब कोर्ट में जो जज होते हैं, राइट? ऑर्डर ऑर्डर. हाँ तो राजा होते हैं वो बहुत ही बड़े जज होते हैं और वहां पे कोर्ट में सारी लीगल थिंग्स को सुना जाता है और उस केस पे स्टडी करते हैं और उस केस को सॉल्व किया जाता है, राइट? ओके जैसे कि किसी के काम की दुकान की बात होती है, किसी के घर की प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई भी परेशानी जो होती है जो विलेज में रहते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कहाँ पे होती है? कोर्ट में होती है. अ प्लेस वेयर लीगल केस आर हियर. वहां पे उनको सुना जाता है और सॉल्व किया जाता है. कहाँ पे सॉल्व किया जाता है? कोर्ट पे, राइट? ओके सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यू वर्ड्स. लेट्स रिपीट वन मोर टाइम एंड देन लेट्स लर्न इट. ओके ऑर्डर इट मींस अ कमांड. रब इट मींस वाइप. पजल इट मींस कंफ्यूज. इरेज इट मींस टू रब और रिमूव. कोर्ट इट मींस अ प्लेस वेयर लीगल केसेस आर हियर, राइट? ओके सो नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, राइट? ओके सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू. बाय बाय. Thank you for joining us.